हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड आज की मेरी यह वीडियो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। जी हाँ फ्रेंड, ईपीएफओ की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है, वो भी इस सीबीटी की मीटिंग से। इसलिए फ्रेंड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फ्रेंड 10 फरवरी को सीबीटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें पीएफ मेंबरों का जो ब्याज का पैसा है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का, उस टॉपिक पर इस मीटिंग में फैसला लिया गया और कितने परसेंट की दर से ब्याज का पैसा ट्रांसफ़र किया जाए, वो भी इस मीटिंग में एकदम क्लियर कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको पीएफ ब्याज को लेकर क्या अपडेट निकल कर सामने आया है वो एक बार आपको बता देता हूँ। फ्रेंड अपडेट जानने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे भी इसी तरह की नई नई अपडेट और वीडियो देखने को मिलती रहे। फ्रेंड 10 फरवरी को जो सीबीटी की मीटिंग हुई थी, इसमें फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के ब्याज को लेकर फैसला लिया गया। इस मीटिंग में जो श्रम रोजगार के मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी है, उन्होंने ट्वीट करके इसके बारे में पूरी जानकारी दी है कि जो ये 235वीं की सीबीटी की मीटिंग हुई, इसमें रिकमेंड किया गया कि ईपीएफओ जो ब्याज का पैसा देगा, क्रेडिट करेगा, वो 8.25% की दर से डिपॉजिट किया जाएगा, मतलब ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर ईपीएफओ ने ब्याज की दर को बढ़ा दिया है, मतलब अब आपके पीएफ अकाउंट में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जो ब्याज का पैसा क्रेडिट किया जाएगा, वो 8.25% की दर से क्रेडिट किया जाएगा। फ्रेंड पिछले साल भी सीबीटी की मीटिंग में 2022-23 का ब्याज का जो पैसा है उसकी दर भी बढ़ाई गई थी, जो कि 8.15% की दर से तय की गई थी। और फ्रेंड इस साल भी सीबीटी की मीटिंग में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जो ब्याज है उसकी दर भी यहाँ पर ईपीएफओ ने बढ़ा दी है। तो फ्रेंड ये गुड न्यूज़ आप सभी पीएफ मेंबरों के लिए थी। अब इसको अप्रूवल के लिए आगे भेजा जाएगा, फिर अप्रूव होने के बाद मेंबरों के पीएफ अकाउंट में ब्याज का पैसा ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड आगे कुछ भी अपडेट होगा कि कब तक ब्याज का पैसा आएगा, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट बता दूंगा। और फ्रेंड दूसरा, जो ईपीएस 95 7500 प्लस डीए बढ़ोतरी को लेकर, मतलब ज़्यादा पेंशन लेने के लिए मांग की जा रही थी, लेकिन इस मीटिंग में इस विषय पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया, इस टॉपिक पर कोई भी बात नहीं हुई है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ईपीएफओ ने पीएफ के ब्याज की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। तो फ्रेंड ये गुड न्यूज़ आप सभी पीएफ मेंबर के लिए थी। आई होप फ्रेंड कि आप सारी जानकारी अच्छे से समझ गए होंगे।